चैनल आज हम पढ़ने वाले एमपी पटवारी के लिए सामान्य प्रबंधन या जनरल मैनेजमेंट से संबंधित वन लाइनर। पहला है तुलन पत्र बैलेंस शीट का लेखाकरण। समीकरण क्या है इसका? समीकरण परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी, जितनी पूंजी रहें और जितनी देनदारी रहें जो उनको जोड़ करके परिसंपत्ति कहलाता है। नेक्स्ट है वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता उनका लेखा कहाँ किया जाता है? उनका लेखा मुख्य जनरल में किया जाता है। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? ESOP का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? चेक एक विनिमय पत्र है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक है। नेक्स्ट है प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? यह कथन FW का है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है उस पर किया जाता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों का। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1947 में। लेखांकन पुस्तकालन के कौन सी क्रिया है? उत्तरवर्ती क्रिया। नेक्स्ट है वही खाता बही क्या है? खातों का एक समूह कहलाता है खाता बही। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। नेक्स्ट है कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना ये डंपिंग कहलाता है। विपणन प्रक्रिया कितने चरण होते हैं? इसके 5 चरण होते हैं। 5C मार्केटिंग के तत्व क्या हैं? एक ग्राहक कस्टमर्स कंपनी पल्स एग्जाम कंपनी एक प्रतियोगिता कंपटीशन एक सहयोगी कोलेबोरेटर्स एंड प्रसंग कॉन्टेक्स्ट ये होते हैं 5 5C की अब मार्केटिंग के। ग्राहक कंपनी प्रतियोगिता सहयोगी और प्रसंग कस्टमर्स पल्स एग्जाम कंपनी कंपटीशन कोलेबोरेटर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध प्रबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पद सोपान कहा जाता है। विपणन के लिए नीतियां बनाना बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नज़र रखना आदि क्या संदर्भित करता है? ये विपणन पर्यावरण करता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? आंसर व्यवहार में। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में परिकृत किया गया? 4 भागों में। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है मौद्रिक और अमौद्रिक। नेक्स्ट है किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है या मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है? बंधपत्र डिवेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आती हैं? दीर्घकालीन देनदारियों में। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अंशधारी कहलाते हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह ES एग्जाम क्या कहलाता है? प्रवक्ता करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण। मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधन नीतियों प्रक्रियाओं व कार्यवाही का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? कैथ सूसन का।